चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन आपको बता दें कि आज 10वां दिन है, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि पहली तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीरें उन मजदूरों की जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। लगातार तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षित जो है सकुशल इन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन ये देखिए सिलकियारा टनल में सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित हैं, इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो है मजदूरों की नजर आई है, लगातार जानकारी मिल पा रही थी कि उन्हें खाना भेजा जा रहा है और वैज्ञानिक जो है वो लगातार ये भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तकनीक से इन मजदूरों को बचाया जा सके, लेकिन ये तस्वीरें टनल के अंदर की तस्वीर, ये पहली तस्वीर है जहां पर आप देख पा रहे हैं जो 41 मजदूर यहां पर 10 दिनों से फंसे हुए हैं वो सुरक्षित यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रही हैं। प्रियंका, और क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, हम देख पा रहे हैं सभी मजदूर सुरक्षित है? जी बिल्कुल, ये पहली वीडियो जो है वो न्यूज ऑन इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उनकी है। एक छोटा कैमरा, एंडोस्कोपी का जो कैमरा इस्तेमाल होता है, वो कैमरा कल टनल के थ्रू वो एक पाइप को भेजा गया था जिसकी पहली तस्वीरें कैच हुई है। इससे पहले सबसे पहले राहत की बात यह है कि परिवार को इससे बहुत राहत मिल रही है क्योंकि अपने परिजनों को बच पा रहे हैं। इसके अलावा अपडेट अगर मैं करूँ मोनिका, तो आज से वर्टिकल शुरू हो जाए, रोड जो बेचारों ने कल बनानी थी वो पूरी बन चुकी है, मशीनें बन चुकी हैं, ऐसे में आज से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है शुरू हो जाएगा। 88 मीटर की वो ड्रिलिंग है, वहां से पाइप डालने की कोशिश की जाएगी 1.2 मीटर का, और वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, जानकारी दी है जो इंटरनेशनल के एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक से जो हमारी बात हुई है, उनकी जानकारी ये थी। उनका ये भी कहना था जगह भगवान की सुझाई भी जगह लगती है, और यही से आज वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम शुरू होगा, यानी कि अब दो मोड से तेजी से ऑपरेशन चलेगा। बिल्कुल प्रियंका, एंडोस्कोपी कैमरे से ये पहली बार जो है हम देख पा रहे हैं तमाम मजदूरों को, क्या कोई बातचीत हो पाई है, ये कोई जानकारी मिल पाई है अब तक, कोई डायरेक्ट बातचीत हो पाई हो? देखिए, मजदूरों के साथ डायरेक्ट बातचीत हो रही थी, पहले से भी हो रही थी, क्योंकि एक पाइप जो डाला हुआ था जिसके माध्यम से खाना दिया जा रहा था, उसी के माध्यम से उनसे बातचीत भी हो रही थी। पर ये तस्वीरें इससे खास है क्योंकि 9 दिन के शाम को पहली बार विजुअली उनको देखा गया है। बातचीत उनके परिजनों के साथ लगातार हो रही थी, जो लोग आ रहे थे, सीएम ने भी बातचीत की है, तमाम लोगों के साथ बातचीत होती रही है, लेकिन देखना विपक्ष को कहा जाता है कि वो सभी सुरक्षित दिख रहे हैं, वो पहली बार इस कैमरे के साथ हुआ। साथ ही इसके दिखने के साथ साथ उन्होंने वॉकी टॉकी थ्रू बातचीत भी की है, तो ये पहली बार है कि तस्वीरें सामने आई कि वो तमाम लोग सुरक्षित हैं, और अब उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 के 5 मोर्चों पर तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, थोड़ी रोशनी भी वहां पर अंदर है। देखिए एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए ये वो पहली तस्वीर है उन 41 मजदूरों की जो लगातार 10 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, और यही कहीं ना कहीं प्राथमिकता है कि सकुशल इन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। रोजाना नई नई तकनीक जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो सकता है, जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि तमाम जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। देखिए पीएमओ की नजर इस पूरे मामले में लगातार बनी हुई है, कई ऐसे उपकरण हैं जिन्हें एयरलिफ्ट भी किया गया है। अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप प्रियंका, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए तमाम जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, खाने पीने का सामान इन तक पहुंचाया जा रहा है, हम टनल के अंदर देख पा रहे हैं, थोड़ी रोशनी वहां पर है, क्योंकि कया से लगाए जा रहे थे, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, अंधेरा होगा वहां पर। प्रियंका का हम रुक करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये वो पहली तस्वीर है उन मजदूरों की जो लगातार 10 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं, आप तमाम उन मजदूरों को देख पा रहे हैं। देखिए अच्छी खबर यही है कि कम से कम तमाम जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, परिवार वालों ने उनकी तस्वीरें जरूर देखी होंगी और राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि परिवार वाले बेहद चिंतित थे कि उनके जो परिजन या उनके जो जानकार अंदर टनल में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर कैसे निकाला जा सके। और देखिए वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत भी की जा रही है और सीधा संपर्क किया जा रहा है। प्रियंका, और क्या कुछ तस्वीरों में नजर आया, हम देख पा रहे हैं कि टनल के अंदर रोशनी भी है,
खाने पीने का सामान भी अब पहुंचाया जा रहा है, वॉकी टॉकी भी हम हाथ में देख पा रहे हैं, यानी कि बातचीत भी हो रही है अब सबसे। जी बिल्कुल, देखिए खाने पीने के सामान की अगर बात करें तो कल शाम को जो अपडेट आया था कि 6 इंच का जो पाइप है वो जा चुका है, तो ये अपडेट भी बेहद जरूरी है कि 9 दिनों में पहली बार खिचड़ी उन तक पहुंची है, तो खाना उन तक पहुंचा है। अभी तक वो बिल्कुल चने और मुरमुरे टाइप की चीजों पे और ड्राई फ्रूट खा रहे थे, कल रात को उनको खिचड़ी पहुंची है, ऑरेंजेस पहुंचे हैं, दवाइयां पहुंची, और वहीं से उनको बैटरी और चार्जेस भी जाने हैं। रोशनी वहां पर, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी वहां पर है क्योंकि वहां पर काम चल रहा था, तो वहां पर और जगह भी आप देखेंगे कि बहुत क्लोज स्पेस नहीं है, पीछे उनके लिए जगह भी है, और ये तमाम चीजें जो लगातार अभी तक एक्सपर्ट्स कह रहे थे अब इन विजुअल्स के माध्यम से दिख भी रही है कि उनके पास खाली जगह नहीं है, खाली जगह भी वहां पर उनके पास है टू मूव थोड़ा सा जगह, क्योंकि टनल जो है वो 4.5 किलोमीटर की है, जिसमें से तकरीबन 4 किलोमीटर की टनल जो थी वो बन गई थी, दोनों हिस्सों से 2-2 किलोमीटर की टनल बन गई थी, केवल एक 450 मीटर का बीच का हिस्सा रह गया था। ऐसे में उनके पास स्पेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, खाना उन तक पहुंच रहा है, और आज उन तक जो चार्जर्स है, बैटरीज है, ये पहुंचाई जाएगी, और साथ ही साथ इंटरनेट भी उनको देने की कोशिश की जा रही है, एक वर्टिकल फाइबर के जरिए उन तक उनसे और बेहतर संपर्क हो पाए, घर वालों से वो वीडियो कॉल से बात कर पाए, ये भी वहां पर कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल सबसे राहत देने वाली सबसे सुखद तस्वीरें यही है कि ये देख पा रहे हैं विजुअल्स में, और इनके परिवार वाले खास तौर पर, पूरा देश तो देख ही रहा है लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये परिवार वालों के लिए है कि वो अपने परिजनों को देख पा रहे हैं कि वो सकुशल है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राहत की सांस आज परिवार वालों ने जरूर ली होगी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे प्रियंका के अंदर टनल में किस तरीके से वो रह रहे होंगे, क्या टनल अंदर से कहीं ना कहीं संकरी है, किस तरीके से वहां पर जो मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं, वो रह रहे होंगे, लेकिन अब जो ये बेहद सुखद तस्वीरें अंदर से नजर आई हैं, आप देख पा रहे हैं तमाम मजदूर जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो सही सलामत हैं, खाने पीने का सामान उन तक पहुंच रहा है, और काफी स्पेस भी हमें नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रियंका आज वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत होगी, कितना वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग को लग सकता है, और जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या जो चैलेंज कहीं ना कहीं ड्रिलिंग को लेकर था, या किस तरीके से अंदर सकुशल मजदूरों तक पहुंचा जा सके, अब थोड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज थोड़ा कम होगा क्योंकि अब अंदर की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए मोनिका, ड्रिलिंग की जहां तक बात है तो उसमें अभी बहुत वक्त लगना है क्योंकि 88 मीटर्स उनको डिग करना है, हालांकि कल जिस पॉइंट पर न्यूज 18 इंडिया तस्वीर दिखा रहा था वही पॉइंट जो है ड्रिलिंग के लिए फाइनल किया गया है, 88 मीटर्स की डगिंग वहां से होनी है। इसके अलावा जो पहला रूट है, जो जहां से अभी हम लोग तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, ये वाला जो रूट है, यहां की अगर बात की जाए तो यहाँ से फिलहाल थोड़ा ही दूरी है, मतलब 60 मीटर का पूरा मलबा। तस्वीरें प्रियंका आपने ही कल दिखाई थी जहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग आज से शुरू होगी, 88 सेंटीमीटर जो है वर्टिकल ड्रिलिंग आज की जाएगी, लेकिन ये सबसे पहला वीडियो जो है वो मजदूरों का नजर आ रहा है। प्रियंका अब हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे तौर पर जुड़ गई है। प्रियंका, ये जो पहली तस्वीर सामने आई है, किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां पर तमाम जो वैज्ञानिक पहुंचे हुए हैं, या जो परिवार वाले लगातार ये दुआ कर रहे थे कि उनके जो परिजन अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकल पाए, कितनी बड़ी मदद कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अब बनेंगी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। बिल्कुल, देखिए एंडोस्कोपी कैमरा से पहली विजुअल तो हालांकि फिलहाल मजदूरों के ही आए हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, तो क्योंकि देखिए 9 दिन का समय हो गया मोनिका, ऐसे में परिवार वालों का भी जो सब्र का बांध था वो टूट रहा था, बातचीत हो रही थी पर उन्हें नहीं मालूम था कि क्या उनकी तबीयत तो खराब नहीं है, कहीं वो फंसे तो नहीं हुए, कैसी कंडीशंस में जी रहे हैं। तो सबसे पहला काम प्रशासन ने ये किया कि उस एंडोस्कोपी कैमरा का इस्तेमाल यूं किया कि आप सीधा पहले तो अपने परिवार वालों को देखिए, और इससे आसान ये होगा कि लगातार कम्युनिकेशन हो पाएगा, ये जो कैमरा गया हुआ है उससे इस तरफ से उस तरफ की बातें हो पाएंगी, पूछा जा सकेगा। जिस तरीके से पहले कल जो 1 फुट 6 इंच का पाइप गया, उससे पहले 1 इंच का पाइप डालने की कोशिश की जा रही थी, तो उन तक जब वो पहुंच रहा था तो वहां से उन लोगों ने अपने फावड़े और उनके पास जो भी चीजें वहां पर है उससे खोदना शुरू कर दिया था, उनको रोका गया था कि ये नहीं करना है, अभी ये किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में जब इवैक्यूएशन की बात होगी, जो मेन पाइप जो उनके लिए एक 9 इंच के डायमीटर का जो पाइप डाला जा रहा है 900 mm का, उस तक वो जब पहुंचेंगे तो उधर से वो लोग भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएंगे, और यहां से जो एक्सपर्ट्स हैं वो सीधे तौर पर देख पाएंगे कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए बेहद जरूरी था
था पहले वहां की स्थिति को जान पाने के लिए एक कैमरे को डालना, और क्योंकि हम बता रहे हैं कि अभी 6 इंच का एक पाइप वहां पर डला है, उससे सबसे पहले वहां मजदूरों की तस्वीरें और फिर जो पूरा आसपास का वहां पर इलाका है एक जज करने के लिए कि मलबे से किस डायरेक्शन में आगे को बढ़ा जा सकता है। एक्सपर्ट्स को काफ़ी मदद इससे मिलेगी, और लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये तो एक रास्ता है जिसको हम देख रहे हैं, अब दूसरा रास्ता यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का रास्ता भी शुरू हो गया है। और आज से ये माना जा रहा है, जो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आर्नोल्ड डिक्स जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका कहना है कि जगह, क्योंकि कल हमने तस्वीरें भी दिखाई थी न्यूज 18 इंडिया पे लाइव कि किस तरीके से वो उस जगह पर पहुंचे थे, जो पहाड़ी, इस तरीके की पहाड़ी का पूरा इलाका है। देखिए मैं यहाँ पर ये जो दिखा रही हूँ, ऐसी ही पहाड़ी के बीच में पीक पर पहुंचकर एक पॉइंट उन्होंने ढूंढा वहां पर, और ये चेक किया गया कि वहां के जो पत्थर हैं वो कैसे हैं। वो तस्वीरें लगातार कल हमने न्यूज 18 इंडिया पे दिखाई, और अभी अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल जो पहाड़ों की संरचना है मोनिका वो बहुत अलग है। नीचे की तरफ हाथ लगाने से जो मलबा है, जो पहाड़े में छूने से पत्थर गिर जा रहे हैं, ऊपर जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग का पॉइंट फाइनल किया गया है वहां पर खास बात यह है कि स्ट्रांग पत्थर मिले हैं। उन पत्थरों को लोहे के औजारों से उन्होंने बजा कर देखा है, उनसे मेटालिक वॉइस आ रही थी, मेटालिक साउंड आ रहा था, तो उससे उन्होंने माना कि ये पत्थर स्ट्रांग है। और ऐसे में कल मुस्कुराते हुए वो वहां से बाहर निकले थे। आज जब सुबह उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मुझे ये लगता है कि भगवान ने ये जगह खुद हम लोगों को दी है, क्योंकि पहाड़ के बीच में ऐसी समतल जगह मिलना जहाँ पर आप मशीन को रख पाएं और वहां से ड्रिलिंग शुरू कर पाएं बेहद मुश्किल होता है। टेक्निकलिटी किस तरीके से चैलेंजिंग कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन है, प्रियंका लगातार हमें जानकारी दे पा रही है, लेकिन ये राहत की तस्वीर है, सबसे पहली तस्वीर तमाम मजदूरों की जो सुरक्षित है टनल में। अब सीधे तौर पर आज देखिए कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा।